इंडियन आर्मी में एक कहावत है कि अगर कोई कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो समझ लेना वह गुरखा है। कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। गोरखा बटालियन एक भारत में मजबूत आर्मी है। गोरखा पहाड़ी और जमीनी क्षेत्रों में लड़ने में बहुत माहिर है, लेकिन गोरखा अब इंडियन आर्मी में आना नहीं चाहते, क्योंकि जब से भारतीय सरकार ने अग्निवीर को घोषणा की है, तब से अग्निवीर के द्वारा सिर्फ आपको 4 साल आर्मी में सेवा देनी होगी। इसके बाद सिर्फ 25% को ही परमानेंट रखा जाएगा। इसके बाद नेपाल की सरकार ने वहाँ के युवाओं को आर्मी में न जाने के लिए कहने लगे। पहले के समय में गोरखा के लिए यह एक परमानेंट जॉब थी, लेकिन इस योजना से उनके नोबल में कमी आई है। गोरखा इंडियन आर्मी के सबसे मजबूत रेजिमेंट्स में से एक है। कहा जाता है कि दुश्मन अगर इनके इलाके में आ रहे हैं, तो अगर इन्हें पता चल जाए कि वहाँ पर गोरखा आर्मी पहले से मौजूद है, तो उनके अंदर पहले से ही खौफ पैदा हो जाता है। गोरखा आर्मी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत सन 1947 में भारत की आजादी के बाद से ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार पहले ब्रिटिश सेना का हिस्सा हुआ करते थे, फिर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। तब से भारतीय सेना का है। ये सैनिक नेपाल के जातीय नेपाली गोरखा और नेपाल के जातीय लोग हैं, जिनको गोरखाओं के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट में से कुल 39 बटालियन है। 6 रेजिमेंट को ब्रिटिश सेना को स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि एक स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी। इनका नाम है, पहला 1st गोरखा राइफल, इसमें 6 बटालियन है। 3 गोरखा राइफल, इसमें 5 बटालियन है। 4 गोरखा राइफल, इसमें 5 बटालियन है। 5 गोरखा राइफल, इसमें 6 बटालियन है। 8 गोरखा राइफल, इसमें 6 बटालियन है। और 9 गोरखा राइफल, इसमें 5 बटालियन है। और 11 गोरखा राइफल, इसमें 7 बटालियन है। भारत में व्यक्तिगत गोरखा राइफल को सामूहिक रूप से गोरखा ब्रिगेड के रूप में जाना जाता है। गोरखाओं को लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में 11 गोरखा राइफल की एक पलटन बॉलीवुड की फिल्म येलोसी कारगिल में भी दिखाया गया है। लेकिन अब गोरखा इंडियन आर्मी में आना नहीं चाहती, क्योंकि यहां पर अब जॉब सिक्योर उन्हें नहीं लगता। जब से मोदी सरकार ने अग्निवीर लॉन्च किया है, अब गोरखा रशियन आर्मी के साथ जा रहे हैं, जहां रसिया ने कहा है कि अगर जो रशियन आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन से 1 साल युद्ध करेगा, उसे रसिया की नागरिकता मिल जाएगी, जिसके कारण वहां गोरखा अधिक मात्रा में जा रहे हैं। रसिया में भारत की तुलना में ज्यादा सैलरी मिलती है। उन्हें वहां पर 35,000 से 40,000 डॉलर मिलने का ऑफर मिलता है, जिसकी तुलना करें तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए आता है, जिसके कारण वहां गोरखा काफी मात्रा में जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई लव आर्मी जरूर लिखें।